ओके भाई, अब देखो आप लोगों ने उम्मीद है कि ये सवाल कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया वो अपना नाम बोल दो या हाथ उठा दो भाई। हो गया सबका? सुनो, क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में बोला था, मैंने कहा था कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो जिन बच्चों को वो सवाल नहीं आया उनके लिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, एपी सेल एपी टू पॉजिटिव और कॉन्सेंट्रेशन थी 0.0001 एक वन सीधा है, और सेल लगा है सॉल्ट बेस एच पॉजिटिव के साथ 1 मोलर टी का सेल एच। यहाँ पर आगे प्रेशर लिखा होता है 1 ATM फलाना ढिकाना पीटी और भी कुछ लिखा होता है, कोई मतलब नहीं उन बातों का, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ई नॉट सेल आपको दिया गया था, एफ ई सेल एफ ई टू पॉजिटिव ये आपको दिया गया था कितना, एफ ई टू पॉजिटिव सेल एफ ई ये आपको दिया गया था माइनस में 0.44 वोल्ट, ठीक है। और आपको निकालना था ई नॉट सेल, ये आपका क्वेश्चन था इस तरीके का। मैंने बोला था आप घर से कर लीजिएगा, जिनको नहीं आ रहा वो देख लें, ठीक है। देखो सवाल में क्या है कि अभी तक जो हमने सवाल किए थे उनमें क्या था कि दो दो वाली क्वेश्चन कट गई थी, 3-2 भी कट गई थी। अब ये सवाल पहला ऐसा आया है जिसमें सिंगल सेल है। देखो ये सेल है, ये तो 0 है, वोल्टेज तो ये देगा नहीं देगा वो तो एक अलग मसला है, लेकिन इसमें दो अलग अलग मेटल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। SHE में देखिए ऐसा होता है, जब हम सेल पढ़ेंगे तब भी इसको डिस्कस करेंगे। मेरे पास 2 टर्मिनल है, जिंक का है कॉपर का है, और मैं जो वोल्टेज निकालता हूँ दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्मिनल्स, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। अब मैं अगर ये चाहता हूँ खाली जिंक बताओ कितना वोल्टेज दे रहा, तो उसके लिए इधर वाला टर्मिनल 0 वोल्ट दे, तब आप 0 जोड़ो या घटाओ आपको वैल्यू सही मिलेगी। लेकिन जब तुम दोनों मेटल ले लोगे तो फिर ये बात नहीं बन पाएगी, तो डिफरेंस आ जाएगा बीच का। तो यहां पर हमने हाइड्रोजन इसलिए लिया है क्योंकि मैं ये निकाल पाऊं कि एपी हमें एक्चुअली कितना वोल्टेज दे रहा है। इनोसेल तो पता है, एपी वास्तव में आउटपुट कितना देगा अगर एपी का ही सेल बना दे। तो यहां पर हाइड्रोजन सेल का इस्तेमाल किया है जिसका वोल्टेज कितना होता है 0, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, देखो इसमें इक्वेशन तो पता ही है 2, यहां पर फिर भी मैं बना देता हूं। स्टेप 1 एपी सेल एपी टू पॉजिटिव, अरे ये तो लिखना था, एपी से बन गया एपी टू पॉजिटिव, यहां पर 0 यहां पर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन उठ जाएंगे, आए ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा उस साइड आते हैं जहां पर नंबर ऑफ चार्ज क्या होता है ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होता है उतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। एच पॉजिटिव आपका यहां लिख दिया, एरो लगा दिया, एच टू हो गया, 2 लिखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, आया ना। अब यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये दोनों कट गए बेटा, और बन गया Fe प्लस 2H पॉजिटिव एरो Fe2 पॉजिटिव प्लस H2। कोई दिक्कत? देखिए आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि चार्ज किस तरफ आया उस तरफ आया, आए जिस तरफ जिधर आना है, हमें तो वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर N की वैल्यू निकल आई 2। ऑक्सीडेशन किस पे हुआ? देखिए 0 है, 0 से 2 वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हुआ है एपी का और रिडक्शन हुआ है हाइड्रोजन का। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई, यस सर, है ना। यहीं पर स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 में आपको पता है ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन बेटा किस पे हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन पे। 0 लिखो, माइनस लिखो, ये माइनस माइनस के साथ 0.44, माइनस माइनस हो गया प्लस 0.44 वोल्ट, ये निकल गया ई नॉट सेल। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए भाई, कोई समस्या किसी को? ठीक, ये इक्वेशन समझ में आ गई सभी को? हाँ, है ना। कुछ इक्वेशनों में ऐसा भी हो सकता है दोनों चार्ज एक तरफ हो जाए और आपका दोनों सॉलिड या गैसीय स्टेट एक तरफ हो जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं, एक साइड बन आ जाएगा, या तो ऊपर बन आ जाएगा या नीचे बन आ जाएगा, जहां चार्ज आ रहा है वहां रख दो, ठीक है। ये स्टेप 3 में, स्टेप 3 ई सेल का फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, याद है ना ये बात? यस सर। अपॉन में क्या होता है? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ई नॉट सेल हमें पता ही है, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। ई नॉट सेल आपका निकला कितना? 0.44, तो 0.44 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू है 2 लॉग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? देखो प्रोडक्ट ये है ना, आया ना। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे चार्ज है क्या? नहीं, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने उस दिन समझाया था। फिर भी अगर मन है तो लिख दो, वैल्यू 1 हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो मैं अभी सीधा सीधा इसको लिख रहा हूँ, अब तो समझ में आ गया ना, इतनी क्लासेस हो गई है। तो Fe2 पॉजिटिव, इसके ऊपर पावर कितनी? 1, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा है? 1 लिखा है अपॉन, अब इस पे तो चार्ज है नहीं, इसका मतलब खत्म करो, और यहाँ पर अपॉन
एच वन पॉजिटिव की पावर टू, क्योंकि उसके ऊपर टू लिखा है, इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन बनाओ नहीं तो ये टू और वन हमसे छूट जाते हैं। आप बस वैल्यू डाल दो, 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, और Fe2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर कितना माइनस 3 अपॉन 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 का मतलब कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो मसला खत्म हो गया। अभी बचा 10 को माइनस 3, मैंने उस दिन समझाया था जितनी भी पावर लगी हो वो विद साइन उसका आंसर हो जाता है अगर कोई डिजिट नहीं है, तो आपका हो गया 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 3 सीधा। ये कहां से आके लिख देता हूँ, लॉग 10 पावर माइनस 3 बचा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और यहाँ पर जो पावर है वही वैल्यू हो जाएगी। समझ गए ना कैसे, जो मैथ्स वाले थोड़ा समझे, ये n है, m की पावर n, n log m, हाँ है ना, तो माइनस 3 log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 3, इस तरीके से हो रहा है, बात समझ में आई कि नहीं। और अगर फिर भी ना आए तो याद रखना जो पावर है वही वैल्यू है, विद साइन है, साइन माइनस और इसका माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया प्लस। तो ये हो गया 0.44 प्लस 0.059 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस प्लस कर दिया, बोलो क्लियर है। अब बस आपको ये सॉल्व करना है, देख लो सही सॉल्व करके कितना आ रहा, 0.525 ये पूरा सॉल्व करके, नहीं पूरा, अरे इसका सॉल्यूशन है 0.0885 सही किया है, यस सर, चेक कर लो भाई, ठीक है, और इसको जोड़ के 0.525 वोल्ट, ये लीजिए ये आपका आंसर है, समझ में आ गया, हाँ है ना, क्या हुआ गड़बड़े कुछ, कहाँ पे बेटा, हाँ ये नॉट हटा दो, बिल्कुल सही कर, बोलो हो जाएगा ना, और कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही हो गया भाई, सबको समझ में आ गया, कोई समस्या किसी को। अच्छा इसी का एक और सवाल होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे इसमें हमारे आसानी से इलेक्ट्रॉन कट गए थे और उस सवाल में इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं कटते हैं, तो वो हम अभी करवा चुके हैं पहले ही, तो उसको भी करवा देते हैं, ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, बताओ कितना आएगा 0.5285 वोल्ट, ठीक है भाई, ये आपकी वैल्यू आ गई, ई सेल की वैल्यू है, ई सेल की नॉट लिखा था, ई सेल की है, याद हो जाएगा, yes, एक ब्रोमीन वाला सवाल है जिसमें एक ही साइड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो अभी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है।